भोजपुर जिला इन दिनों बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। भोजपुर जिला के बढ़हरा प्रखंड और शाहपुर प्रखंड में पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित है। लगभग 60 गांव के हजारों लोग बाढ़ की दंश को झेल रहे हैं और जहां भी ऊंचा जगह उनको मिल रहा है वहां पर शरण लिए हुए हैं। अभी हमारी मौजूदगी जो है वो बढ़हरा प्रखंड के नकनाम टोला और सारीग्राम टोला गांव के समीप में है, जहां पर देख सकते हैं कि चारों तरफ बाढ़ ग्रसित गंगा के पानी से, गंगा के उफान की वजह से हर तरफ जलमग्न हो चुका है। ना सड़क दिखाई दे रहा है, ना खेत दिखाई दे रहा है, ना ही घर दिखाई दे रहा है, हर कुछ यहाँ पर डूब चुका है। अब समस्या यहाँ पर जो उत्पन्न हुई है ग्रामीणों के बीच में, वो खाने पीने और रहने को लेकर के समस्या उत्पन्न हुई है। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जहाँ एक तरफ मवेशियों को बांधा गया है, वहीं इन मवेशियों के बीच में इंसान भी बैठे हुए हैं। तो क्या जानवर का जीवन और क्या इंसान का जीवन, सब कुछ यहाँ पर बराबर हो चुका है। यहाँ पर लोगों को खाने की समस्या हो रही है, पानी पीने की समस्या हो रही है। पानी की नौबत ऐसी आई है कि गंगा के दूषित और जो बाढ़ का मैला पानी है उसको पी करके ही यहाँ के लोग जीवन यापन कर रहे हैं। हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं और उनके वास्तविक कष्ट को जानने का प्रयास करते हैं। चाचा, बाढ़ से कितना परेशान है आप लोग? बाढ़ से तो पूरा मेरा क्षेत्र परेशान है, पंचायतें परेशान है, रह गया जहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है। जो जल खाना है वो जल गंगा जी का पानी खा रहा है आदमी, गंगा का पानी पी रहा है जी। गंगा जी का पानी आदमी पी रहा है, तो मैला गंदा पानी है तो क्या कीजिएगा, मैंने प्यासे मरिएगा नहीं ना जी, तो उसी को पानी पीना ना होगा। कितने दिन से आप लोग इस बांध पर जगह बनाए हुए? मैंने 5 दिन करीब हो ही गया, 5-6 दिन हो गए। आने वाला भी 5-6 दिन लग ही जाएगा, लग ही जाएगा। अभी कौन जानता है गंगा जी का महिमा, जो गंगा जी और बढ़ेगी कि घटेगी ये सब तो कोई जानता नहीं है। क्या दिक्कत है यहाँ पर, कैसे आप लोग? दिक्कत बाज माल गेरू के भूसा घास जुटाए में हेल के कतना लोग का जीवन चल जाता है, डूब जाता। खाना टाइम से नहीं खेवत, भूखले आदमी सुतता, माल गेरू भूखले, जेकर भूसा घास नहीं खेत तो माल चिल्लाता है, आदमी चिल्लाता, साधन नहीं है कोनो जो आदमी खाई या पानी पी, टाइम से कोनो खाना नहीं खेवत, घरे अब खाना बनता नहीं के बन तो छत पसोगे बा, ये दिक्कत बा, पूरा परेशानी तो बढ़ले बा। मैंने आपके गांव में घर पे खाना बनता है और वहां से लेकर के यहां वहां वहां कब आता है? अभी तो फेल के आएगा, डराम से आएगा, बोरा पर लेके कसम आगे जीवन आदमी बचाता और का किया। क्या लगता है कोई साधन वधन अभी तक पहुंचा है, उम्मीद है आप लोगों को जिला प्रशासन से? अभी कहां कोनो साधन है, सब लोग ऐसे ही वैसे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कहाँ आप लोग रात में गुजारा करते हैं? यही बांध पर, बांध पर यहाँ से वहाँ तक जाएंगे तो पूरा मवेशी लगी है, आदमी ऐसे ही बोरा पर सोए बैठे हैं। जैसे मवेशी हाल वैसे ही इंसान जी। खाना पीना भी वही है? खाना पीना भी वही है, घर पर भी खाना बनाने का जगह भी नहीं है, छत पर लोग रह रहे हैं, घामा में रह रहे हैं। अभी धूपा इतना कड़ा किया है ना कि मैंने बहुत लोग परेशान हैं। तो हम लोग खुद झेल, हाँ परेशान इतना है कि ऊपर से चमकी भी नहीं है कि तान कर कोई अपना माने कुछ रिलीफ करे। तो ये तरीका है और ये कुछ इस तरीके से जीवन यहाँ पर लोग गुजार रहे हैं। यहाँ पर इंसान और जानवर के बीच का जो खाई है वो मिट चुका है। जैसे हाल में यहाँ पर इंसान है और वैसे ही हाल में यहाँ पर जानवर हैं। जानवरों को भी खाने पीने की समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं और वही हाल इंसान का भी है। सबसे जो भयावह स्थिति है वो पानी पीने को लेकर के जो समस्या यहाँ के दर्जनों गाँव के लोगों को उत्पन्न हुई है, जैसे कि नकनाम टोला है, सालीग्राम सिंह का टोला है और आसपास के जितने भी गाँव हैं वहाँ के लोगों को पानी पीने का जो शुद्ध पानी होता है वो पिछले कई दिनों से यहाँ पर नहीं मिल रहा है। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि लोकल 18 की टीम जो बाढ़ के सबसे प्रभावशाली इलाका है वहाँ पर पहुँची हुई है और यहाँ की आप तस्वीर को देखिए कैसे यहाँ पर लोग यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। जो समय है वो तकरीबन 10-11 का, सुबह का 10-11 बज रहा है और यहाँ पर देखिए एक तरफ जहाँ गाय मवेशी सब बांधे हुए हैं वहीं पर लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। दोनों इंसान और जानवर के बीच का जो मतलब होता है, जो डिफरेंस होता है, वो पूरी तरीके से इस बाढ़ के प्रभावित इलाके में खत्म हो चुका है। अभी टोटल हमारे यहाँ 60+ जो है बोट नाव का परिचालन किया जा रहा है, करीब 5 जगह पर, कल 1 जगह चला था, आज 4 जगह और स्टार्ट किया गया, कम्युनिटी किचन स्टार्ट किया गया है, नेकनाम टोला में 2 स्टार्ट किया गया है, नथमरपुर में 2 और 1 पश्चिमी बगुरा में चित्रपुर के आसपास स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा हम लोग एक बोट एम्बुलेंस भी आज के डेट से संचालन किए हैं, जिसमें कि डॉक्टर की टीम घूम कर भ्रमण करेगी। अभी हम
सर, जो सबसे बड़ी समस्या हम लोग जो देख रहे हैं उसमें परिचालन, नाव परिचालन की समस्या है और पानी पीने के लिए जो बाढ़ ग्रसित ग्रामीण है उनको समस्या हो रही है। तो सर, पानी और नाव का तो इतना ज्यादा मतलब वितरण नहीं दिख रहा है। पानी पानी पीने का जो समस्या है वो सभी जगह, क्योंकि सभी जगह पानी भर गया है, पानी भर गया तो उसमें पीने का पानी का समस्या है। लेकिन नाव हमारे पास, ये दावे के साथ कर सकते हैं, 60+ नाव हमारी रनिंग है। हम सभी नाव इससे जियो लोकेशन के साथ फोटो मंगवा रहे हैं, इसी को कन्फर्मेशन करते हैं। इसलिए आपको बोले भी थे कि 4:30 में आइए, फोन कन्फर्म। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि जिला प्रशासन के द्वारा भी इस जो सबसे ज़्यादा प्रभावित और दूषित क्षेत्र है वहाँ पर अब तक कोई मदद नहीं पहुँचाया गया है, ना ही कोई खाना की सामग्री पहुँचाई गई है, ना ही पानी का बोतल पहुँचाया गया है। और यहाँ के लोग अभी भी उम्मीद में है कि कोई भगवान बन करके यहाँ पर आए और इन लोगों को मदद पहुँचाए और बाढ़ में दो समय का खाना और पानी इनको मुहैया कराए। लोकल 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।